डियर स्टूडेंट्स अवर ई वार वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई टोडेज लेक्चर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इन टोडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अपॉन एग्जाम्पल्स ऑन मैग्जिमाइजेशन एल पी प्रॉब्लम यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके सामने एल पी प्रॉब्लम दे रखी हो तो उसको हम ग्राफिकल मैथड के बेसिस पर किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ मैं तीन कैटेगरीज आपसे डिस्कस करूंगा इसके रिलेशन में सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन एलपी प्रॉब्लम्स उसके बाद मिनिमाइजेशन एलपी प्रॉब्लम्स और फिर मिक्स्ड कंस्टेंट एलपी प्रॉब्लम्स तो इस तरह से तीन कैटेगरीज में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किसी भी पर्टिकुलर एल प्रॉब्लम के रेफरेंस में ग्राफिकल मैथड का यूज करते हुए आप उसका सोल्यूशन किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं तो पहले बात करते हैं मैग्जिमाइजेशन एल प्रॉब्लम की एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने यूज द ग्राफिकल मैथड टू सॉल्व द फॉलोविंग एल प्रॉब्लम और यहाँ दे रखा है आपको मैक्सिमाइज़ मैक्सिमाइज़ेशन जेड इज इक्वल टू फिफ्टीन एक्स वन प्लस टेन एक्स टू सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स दे रखे हैं आपको फोर एक्स वन प्लस सिक्स एक्स टू लेस देन इक्वल टू थ्री सिक्सटी सेकंड कंस्टेंट दे रखा है थ्री एक्स वन प्लस जीरो इंटू एक्स टू इज लेस दैन इक्वल टू वन एट्टी एंड थर्ड कंस्टेंट आपको दे रखा है जीरो इंटू एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू इज लेस दैन इक्वल टू हंड्रेडेड एक्स वन कॉम एक्स टू ग्रेटर इक्वल टू जीरो तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम के रिलेशन में मैथमेटिकल मॉडल की फॉर्म में पहले ही क्वेश्चन दे रखा है तो इसको आपको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है जैसा कि स्टेप वन में हमने कहा था अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की अकॉर्डिंग टू एक्सट्रीम पॉइंट सोल्यूशन मैथड जैसा कि मैंने आपसे कल इसके बारे में डिस्कस किया था ठीक है तो एक्सट्रीम पॉइंट सोल्यूशन मैथड का जो अगला स्टेप है वो क्या कहता है कि जो आपके पास इन इक्वलिटी कंस्टेंट्स हैं उनको आपको इक्वलिटी कंस्टेंट्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपको कॉर्डिनेट्स को डिटरमाइन करना है तो यहाँ हम क्या करेंगे कन्वर्ट The inequality constraints into equality and find. कोऑर्डिनेट्स ठीक है तो हम बात करेंगे फर्स्ट कंस्टेंट के फर्स्ट कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन बन जाएगी हमारी फोर एक्स वन प्लस सिक्स एक्स टू इजिकल टू थ्री सिक्सटी अब हमें क्या करना है इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है तो कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम देख लेते हैं पहले यहां पर ठीक है क्या करेंगे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम पहले तो एक्स टू को जीरो रखेंगे ठीक है तो यहाँ कोऑर्डिनेट में पहला आता है एक्स वन और फिर आता है एक्स टू यहां भी पहले आएगा एक्स वन फिर आएगा एक्स टू तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले तो एक्स टू को जीरो रखेंगे फिर एक्स वन को डिटरमाइन करेंगे और दूसरे केस में हम एक्स वन को जीरो रखेंगे और एक्स टू को डिटरमाइन करेंगे ठीक है तो यहां आपको क्या करना है सबसे पहले तो एक्स टू को जीरो रखना है आपने एक्स टू को रख दिया जीरो तो ये तो गायब हो जाएगा इक्वेशन से क्या बचेगा फोर एक्स वन टू थ्री सिक्सटी तो एक्स वन कितना जाएगा थ्री सिक्सटी अपॉन फोर और थ्री सिक्सटी अपॉन फोर का मतलब कितना जाएगा नाइन्टी फोर नाइन जर्टी सिक्स तो ये कॉर्डिनेट बन जाएंगे आपके नाइनटी कॉम ज़ीरो ठीक है अब अगली बार में क्या करना है आपको एक्स वन को जीरो रखना है तो एक्स वन को जीरो रखना है, तो एक्स वन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा तो इक्वेशन बनेगी आपकी सिक्स एक्स टू इजिकल टू थ्री सिक्सटी तो एक्स टू कितना जाएगा थ्री सिक्सटी यान सिक्स और ये जाएगा जीरो कॉमो सिक्सटी तो पहला कॉर्डिनेट आपके पास आ गया नाइनटी कॉमो जीरो और जीरो कॉमो सिक्सटी ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन के कॉर्डिनेट्स हो गए अब हम बात करेंगे सेकेंड वन की सेकेंड वन में इक्वेशन आपके पास थ्री एक्स वन प्लस जीरो इन टू एक्स टू इक्वल टू वन एट्टी क्योंकि यहां पर एक कॉर्डिनेट तो ऑटोमेटिकली जीरो है ठीक है केवल केवल एक ही आपके पास वेरिएबल दे रखा है एक्स वन तो यहां केवल केवल आपके पास एक ही सेट आएगा कॉर्डिनेट के रेफरेंस में अब वो कहां से आएगा थ्री एक्स वन इजिकल टू वन एट्टी तो एक्स वन कितने आएगा वन एट्टी अपॉन थ्री सिक्सटी तो ये कॉर्डिनेट बनेगा आपका सिक्सटी कॉम जीरो ठीक है तीसरी इक्वेशन आपको दे रखी है यहां पर दैट इज जीरो इंटू एक्स वन प्लस फाइव इंटू एक्स टू इजिकल टू टू हंड्रेड इस इक्वेशन में भी आपके पास जो एक वेरेबल है वो जीरो है और दूसरे वेरेबल की वैल्यू दे रखी है तो फाइव एक्स टू इजिकल टू टू हंड्रेड हो गया एक्स टू कितना आएगा टू हंड्रेड अपॉन फाइव यानी कि फोर्टी तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो होगी जीरो कॉमा फोर्टी क्योंकि यहाँ पर एक्स वन जीरो है इसी वजह से जीरो कामा फोर्टी और यहाँ एक्स टू जीरो है इसी वजह से सिक्सटी कामा जीरो का कोऑर्डिनेट हमने फॉलो किया है तो इस तरह से हमने क्या करा हमने जो कंस्टेंट्स से इनको इक्वलिटी फॉर्म में कन्वर्ट करके इनके कॉर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लिया है अब हमें क्या करना है हमें इन कंस्टेंट्स को एक ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करना है और फिर इन इक्वलिटी की कंडीशन को अप्लाई करते हुए फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई करना है ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा प्लॉट दिस Constraints on graph paper and find feasible. रीजन बाय अप्लाइंग इन इक्वलिटी कंडीशंस ठीक है तो इसके लिए हम ग्राफ पेपर को ड्रॉ करेंगे पहले तो हम मानेंगे यानी एक्स वन को हम लेंगे एक्स एक्सेस पर और बाई वन को हम लेंगे बाई एक्सेस पर ठीक है तो किस तरीके से हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे देख लेते हैं इसको एक बार, ठीक है यहां ड्रॉ कर लेते हैं इसको डायग्राम को तो पहले तो स्केल पर अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पर पहले तो हमें इसे भी तो देखना पड़ेगा ना उस हिसाब से हम स्केल को डिसाइड करेंगे मैक्सिमम वैल्यू दे रखी आपके पास नाइन और मिनिमम दे रखे आपके पास फोर्टी तो हम टेन का स्केल ले लेंगे और दस मिनट सेंटीमीटर के बेसिस पर स्केल को ड्रा कर देंगे तो यहाँ से हमने इसको ड्रॉ करना शुरू करा ठीक है यहाँ तक ले लिया इसको और यहाँ मैंने एक सेंटीमीटर के बेसिस पर एक स्केल काउंट कर लिया यहाँ पर ये हो गया वन सेंटीमीटर के डिफरेंस पर मैंने टेन पॉइंट्स काउंट कर लिए ठीक है ऐसे ही मैंने क्या कर करा यहाँ पर बाई एक्सेस के करस्पॉन्डिंग भी जो ये तो बाई एक्सेस हो गया आपकी okay? अब मैंने एक्स एक्सेस के करस्पॉन्डिंग एक लाइन को ड्रॉ करूंगा और इसको भी मैं दस सेंटीमीटर के स्केल पर फॉलो करूंगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन ठीक है तो ये हो गया आपका एक्स वन और ये हो गया आपका एक्स टू ठीक है ये पॉइंट आ गया पास इसको लिख दिया मैंने दस टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइन्टी और हंड्रेड ऐसे मैंने इन पॉइंट्स को काउंट करा यहाँ से ऊपर से टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइन्टी और हंड्रेड देखो मिला के आपके पास पॉइंट्स यहाँ पर क्रिएट हो गए ठीक है पहली लाइन की बात करते हैं जो फर्स्ट लाइन है उसके कॉर्डिनेट से आपके पास नाइन्टी कॉमा ज़ीरो और ज़ीरो कॉमा सिक्सटी ठीक है तो नाइन्टी कॉमाजीरो आपके पास ये कोऑर्डिनेट आ गया नाइन्टी कॉमा जीरो ठीक है? और जीरो कॉमा सिक्सटी आपके पास आ गया येलो कोऑर्डिनेट इनको क्या करना है मुझे मुझे एक लाइन के बेसिस पर इनको मैच कर देना है आपके पास फर्स्ट लाइन द लाइन नंबर वन ठीक है अब बात करते हैं लाइन टू की लाइन टू क्या है आपके पास सिक्सटी कॉमा जीरो तो सिक्सटी कॉमर जीरो इज दिस कॉर्डिनेट तो ये सिंगल है ठीक है दूसरा साइड है नहीं तो इसका मतलब ये जो होगा वो पैरल टू बाई एक्स टू एक्सेस होगा तो एक्स टू एक्सेस के पैरल एक्स टू एक्सेस के पैरल हम एक लाइन को यहाँ ड्रॉ कर देंगे सेकेंड इक्वेशन को शो करेगा थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास कॉर्डिनेट क्या है जीरो कमो फोर्टी जीरो कॉमो फोर्टी आपके पास ये कॉर्डिनेट आ गया क्या करोगे आप पर इसके एक लाइन खींच दोगे क्योंकि आपके पास ये सिंगल कॉर्डिनेट है और जब सिंगल कॉर्डिनेट होता है तो पैरल लाइन को डिफाइन करता है तो ये होगा पैरल टू एक्स वन एंड दिस इज थर्ड कॉर्डिनेट विच यू आर गेटिंग थर्ड लाइन सॉरी थर्ड लाइन यू आर गेटिंग ठीक है तो ये तीनों लाइन आपके पास आ गई फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन ये तीनों कंस्टेंट्स को फॉलो कर रही है अब तीनों ही कंस्टेंट्स में जो इन का साइन है वो है लेस देन इक्वल टू की तो लेस देन इन इक्वल टू का साइन है इसका मतलब ये देखिए लेस देन इक्वल टू का मतलब हो गया पहली वाली लाइन ये दे रखिए इससे अंदर वाला एरिया इन वाला रीजन ठीक है ऐसे ये सेकंड लाइन दे रखिए इसके अंदर वाला एरिया ठीक है और जो थर्ड लाइन दे रखिए इसके भी अंदर वाला एरिया तो जो इनका एरिया है जो कॉमन है हम उस एरिया को प्रॉपरली डिफाइन करेंगे तो जो कॉमन एरिया है वो ये है जिसको मैं सेडेड एरिया से डिफाइन कर रहा हूँ ये देगा कॉमन रीजन जो तीनों में कॉमन होगा क्योंकि तो इससे अंदर एरिया की बात करिए इससे अंदर एरिया की बात करिए और इससे अंदर एरिया की बात करिए तो यही जो रीजन होगा ये हमारा कहलाएगा फिजिबल रीजन तो हम इस पर्टिकुलर रीजन को नाम देंगे इसको रीजन को नाम देंगे क्या दिस इज नोन एज फिजिबल रीजन अब इस फिजिक आपके पास पांच पॉइंट्स आए पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट दिस इज़ द थर्ड पॉइंट दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट एंड दिस इज़ द फोर्थ फिफ्थ पॉइंट इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है इनको हम अलग अलग देख लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए जीरो कॉमा जीरो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गएटी कॉमा जीरो इसका भी डिफाइन करते हैं और इसके हो गए आपके पास जीरो कॉमाओ फोर्टी अब इसके देख लेते हैं देखो एक्स वन पर तो उसका सिक्सटी बैठेगा अब एक्स टू करस्पोंडिंग कितना आ रहा है इसका ये देख लेते हैं हमें ना तो एक्स टू की करेस्पॉन्डिंग आ रहा है इसका कॉर्डिनेट दैट इज ट्वेंटी ठीक है तो एक्स टू करस्पोंडिंग इसका कॉर्डिनेट आएगा सिक्सटी कॉमो ट्वेंटी ठीक है ऐसे देखिए इस वाले कॉर्डेट की बात करते हैं तो एक्स टू तो फोर्टी है इसका एक्स वन के कॉरेस्पॉन्डेंट कितना आ रहा है इसका वो हम देख लेते हैं एक बार है ना तो एक्स वन कास्पॉ आ रहा है इसका देखिए ये पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट है ये और ये पॉइंट क्या है जैसे थर्टी तो इसके कॉर्डिनेट्स क्या थर्टी कॉमा फोर्टी तो हमारे पास कुल आगे ये वन टू थ्री फोर फाइव कॉर्डिनेट्स आ गए इनका हम नेमिंग कर देते हैं इसको नाम दे दिया मैंने ए इसको नाम दे दिया बी इसको नाम दे दिया सी इसको नाम दे दिया डी और इसको नाम दे दिया ई e. तो ये पांचों पॉइंट्स क्या extreme points कहलाएंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स कहलाएंगे दैट इज क्लियर अब हम देख लेते हैं कि इन एक्सट्रीम पॉइंट्स के बेसिस पर हम ऑप्टिमम सोल्यूशन किस तरीके से अचीव कर सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक टेबल को ड्रॉ करेंगे यहां मैंने ऑलरेडी एक टेबल ड्रॉ करी हुई है ठीक है इसमें मैंने एक तरफ एक्सट्रीम पॉइंट्स को कंसिडर किया है दूसरी तरफ उसके कोऑर्डिनेट्स को और तीसरी तरफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो हमारा क्या है मैगजल टू फिफ्टी एक्स वन प्लस टेन एक्स टू हमारे पास चार पांच एक्सट्रीम पॉइंट्स आए थे ए बी सी डी ई इनके कोऑर्डिनेट्स थे ए के जीरो कमा जीरो बी के सिक्सटी कमा जीरो सी के सिक्सटी कमा ट्वेंटी डी के थर्टी कमा फोर्टी और ई e के जीरो कमा फोर्टी ये जो पांचों कोऑर्डिनेट्स है ये फिजिबल सोल्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं लेकिन ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या होगा इनमें से इसको हम क्या करेंगे इसके लिए हम इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्रोडक्ट करेंगे और देखेंगे कि मैग की जेड की वैल्यू कितनी कंसीडर होती है और फिर कंपेरिजन के बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन को तो पहले तो हर एक कोऑर्डिनेट के रेफरेंस में जेड की वैल्यू को निकाल लेते हैं पहला जीरो कमर जीरो तो जीरो कमर जीरो का कम मतलब फिफ्टीन इंटू जीरो प्लस टेन इंटू ज़ीरो एंड जैसे ज़ीरो प्लस ज़ीरो एंड जीरो प्लस जीरो इजिकल टू ज़ीरो हम बात करते हैं बी कोऑर्डिनेट की जेड कितना जाएगा यहाँ पर फिफ्टीन इंटू सिक्सटी प्लस टेन इंटू ज़ीरो फिफ्टीन इंटू सिक्सटी नाइन हंड्रेड और प्लस ज़ीरो इजिकल टू टोटल हो जाएगा ये नाइन हंड्रेड के बराबर तीसरे कैसे से बात करते हैं सी पॉइंट के रिलेशन में तो ये जाएगा आपके पास फिफ्टीन इंटू सिक्सटी प्लस टेन इंटू ट्वेंटी पंद्रह छानबे नौ सौ हो गया और बीस धाई दो सौ और नौ सौ प्लस दो सौ ये हो गया टोटल आपके पास ग्यारह सौ ठीक है अब बात करते हैं डी पॉइंट की तो जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर कितनी होगी फिफ्टीन इंटू थर्टी प्लस टेन इंटू फोर्टी फिफ्टी इंटू थर्टी कब पंद्रह से पैतालीस फोर फिफ्टी टेन इंटू फोर हंड्रेड फोर्टी यानी कि फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड प्लस फोर फिफ्टी आएगा आपके पास एट फिफ्टी नाउ कम टू द पॉइंट ई जेड कितना जाएगा इसके रेफरेंस में फिफ्टीन इंटू जीरो प्लस टेन इंटू फोर्टी फिफ्टीन इंटू जीरो जीरो जाएगा टेन इंटू फोर्टी फोर हंड्रेड ये आएगा और टोटल वैल्यू आएगी आपके पास फोर हंड्रेड तो इस तरह से हमने हर पर्टिकुलर एक्सट्रीम पॉइंट के रिलेशन में जेड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मैक्सिमाइजेशन का तो इनमें से देखिए इन पांचों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू मैक्सिमाइज है दिस इज इलेवन हंड्रेड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू तो हमारा जो आंसर होगा वो सी पॉइंट के रिलेशन में होगा यानी कि जो हमारा सिक्सटी कॉमन ट्वेंटी का कोऑर्डिनेट है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेगा because because jet is maximum at extreme point c so this will be the optimal solution और optimal solution होगा तो क्या क्या values consider जाएंगी इसका इसका मतलब it means that is x1 is equal to कितना एक्स वन इज टू एक्स वन इजल टू सिक्सटी कॉमा, एक्स टू इज इकल टू मैक्सिमाइज जेट की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू इलेवन हंड्रेड सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द Given LP problem. Okay. Thank you.